गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, माई सेल्फ मानसी डुंगरानी, टीचर फ्रॉम एलपी सेवन रिवरसाइड स्कूल. इन द प्रीवियस सेशन वी हैड कम्प्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर वन, द वेरी बिग पार्सल. सो टूडे वी आर गोइंग टू डू द एंटोनिम्स. फर्स्ट इज सोड. सोड यानी कि किसी भी सीड को सो करना, जैसे कि ये मैन सीड को क्या कर रहा है, सो कर रहा है, उगा रहा है, उसे कहते हैं सो. उसका एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट है रिप्ड. रिप्ड यानी कि जो क्रॉप ग्रो होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं रिप्ड. एंटोनिम्स यानी कि दो वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है. सेकेंड इज ओवरजॉयड. ओवरजॉयड यानी कि बहुत खुश होना. खुश का ऑपोजिट क्या होता है, दुखी होना, दैट इज सैड और अनहैप्पी. ओवरजॉयड, द ऑपोजिट ऑफ ओवरजॉयड इज सैड. थर्ड इज स्पेंड. स्पेंड यानी कि किसी भी चीज पे खर्चा करना, उसे कहते हैं स्पेंड. और उसका ऑपोजिट है सेव यानी कि बचाना. अगर हम किसी पैसे को बचाते हैं उसे कहते हैं सेव. फोर्थ इज केयरफुल. केयरफुल यानी कि किसी चीज का ध्यान रखना, उसे कहते हैं केयरफुल. और केयरलेस यानी कि हम उसकी परवाह नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, उसे कहते हैं केयरलेस. बाय यानी कि खरीदना और सेल यानी कि बेचना. नाउ डिसअपियर. डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना और अपियर मतलब कि हाजिर हो जाना. निग्लेक्ट. निग्लेक्ट मतलब कि ध्यान नहीं रखना. और रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना, किसी भी चीज की केयर करना. माइजरेबल मतलब कि दुखी होना. चीयरफुल यानी कि खुश होना, हैप्पी होना. थ्रो यानी कि फेंकना और कैच यानी कि पकड़ना. रियलाइज यानी कि भूल का एहसास होना. और मिसअंडरस्टैंड मतलब कि गलत समझना. फोगॉट यानी कि भूल जाना और रिमेम्बर यानी कि याद आ जाना. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सेकंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सीड्स वर देयर इन द बिग पार्सल. बिग पार्सल में कितने सारे सीड्स थे. तो देयर वॉज वन सीड इन द बिग पार्सल. पार्सल में कितने सीड्स थे, एक सीड. तो देयर वॉज वन सीड इन द बिग पार्सल. हाउ मैनी सीड्स वर देयर इन द बिग पार्सल. देयर वॉज वन सीड इन द बिग पार्सल. सेकेंड, वॉट डिड द मैन डू विद द सीड. मैन ने सीड के साथ क्या किया. द मैन सोड द सीड एंड वॉटर्ड इट. मैन ने क्या किया, सीड को सो किया और उसमें पानी डाला. What did the man do with the seed? The man sowed the seed and watered it. What happened to the seed? Seed ko kya hua? The seed grew into a big tree. Seed jo tha wo bade se tree mein grow ho gaya. What happened to the seed? The seed grew into a big tree. What did they find in the apple fruit? उनको apple fruit में क्या मिला. They found gold coins in the apple fruit. What did they find in the apple fruit? They found gold coins in the apple fruit. What did the man do when he looked out into the garden and saw the withered tree? मैन ने जब भी देखा कि garden के बाहर कि वहां पे tree विदर्ड हो गया यानी कि सूख गया है, तो उसने क्या किया. द मैन रश्ड आउटसाइड एंड थ्रू बकेट ऑफ वाटर. मैंने क्या किया, दौड़ के बाहर गया, रश आउटसाइड, और उसने क्या किया, थ्रू बकेट्स ऑफ वाटर, बाल्टी भर भर के पानी उसने ट्री पे फेंका. व्हेन ही लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड सॉ द विदर्ड ट्री. जब उसने गार्डन के बाहर देखा और वो ट्री विदर्ड हो गया था वो देखा, तब मैंने क्या किया, ही रश्ड आउटसाइड एंड थ्रू बकेट्स ऑफ वाटर. व्हाट डिड द मैन डू व्हेन ही लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड सॉ द विदर्ड ट्री. द मैन रश्ड आउटसाइड एंड थ्रू बकेट्स ऑफ वाटर व्हेन ही लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड सॉ द विदर्ड ट्री. व्हाट डिड द कपल्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स डू. कपल्स के फ्रेंड्स एंड नेबर्स ने क्या किया. कपल के फ्रेंड्स और नेबर्स ने उनकी हेल्प की और उन्हें वो सब दिया जिनसे वो हैप्पी रहे. द कपल्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स हेल्प देम एंड गेव देम ऑल दे वांटेड टू बी हैप्पी. सो यू विल फिनिश आवर क्वेश्चन आंसर्स. नाउ
We will do vocabulary and pronunciation. Use the new words that you have learned in this lesson to complete the following sentences. The words are given below. ये words है, ये words का use करके हम इन sentences को complete करेंगे. First sentence है, we blank a mango seed in our garden and water it every day. क्या कह रहा है कि हम एक mango seed को क्या करते हैं blank, वहां पे हमें answer ढूंढना है, हमारे garden में और उसे रोज पानी डालते हैं. तो हम mango seed को क्या करते हैं, सो करते हैं, उसको सो करके उस पे रोज पानी डालते हैं. So we sowed a mango seed in our garden and watered it every day. The young blank moved to a new house since their old apartment was not comfortable. The young couple, वो दोनों लोग ने क्या किया, अपने new house में move हो गए क्योंकि उनका जो पुराना apartment था वो उनके लिए comfortable नहीं था. He was blank with the results of his examination. He had scored 100% in 4 subjects. वो लड़का था, वो अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट से ओवरजॉयड था. ओवरजॉयड यानी कि बहुत खुश था क्योंकि उसने 4 सब्जेक्ट्स में 100% स्कोर किया था. ही वॉज सर्चिंग ब्लैंक फॉर हिज फाइल दैट वॉज नीडेड फॉर द मीटिंग दैट आफ्टरनून. वो दोपहर को वो अपनी फाइल ढूंढ रहा था जिसको उसके मीटिंग के लिए उसको जरूरत थी. तो कैसे ढूंढ रहा था, वो फ्रेंटिकली ढूंढ रहा था, मतलब कि बहुत ही फटाफट क्योंकि उसको वो मीटिंग के लिए जरूरत थी, तुरंत थी. नेक्स्ट इज द मूवी इज अबाउट अ गर्ल हु मिस्टीरियसली ब्लैंक व्हाइल ऑन अ पिकनिक एट हैंगिंग रॉक. ये मूवी उस लड़की के बारे में है जो अचानक से मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गई. डिसअपियर यानी कि गायब हो गई जब वो पिकनिक पे गई थी एक हैंगिंग रॉक पे. ही फेल्ट ब्लैंक व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन द बिजनेस. उसे बहुत बुरा लगा कि वो अपने सारे पैसे गवा चुका था एक बिजनेस में. उसे बहुत दुख हुआ. ही फेल्ट माइजरेबल. राम blank his mistake and said that he would never make anybody suffer in life. Ram ko apni mistake yani ki bhool ka ehsaas hua aur usne kaha ki wo kabhi bhi kisi ko bhi apni life mein suffer nahi hone dega. Ram realized his mistake and said that he would never make anybody suffer in life. Now worksheet number 2. Look at the pictures and fill in the blanks. हमें क्या करना है, इन pictures को देखना है और blanks को fill up करना है. Sara has a red blank. Sara के पास red color का क्या है, तो ये किस चीज का picture है, bag. तो Sara has a red bag which she likes a lot, जो उसे बहुत ही पसंद है. In her bag she has a blank. उसके बैग में उसके पास क्या है, एक पेंसिल. शी हैज अ पेंसिल. और क्या है, अ ये क्या है, डॉल. तो अ डॉल. और अ ये क्या है, रिंग. तो उसके पास रिंग भी है. और अ बुक. बुक भी है. और उसका फेवरेट कप भी है. इन हर बैग शी हैज a pencil, a doll, a ring, a book and her favorite cup. She carries her blank with her everywhere. सब जगह पे अपनी बैग लेके जाती है. One day her pet blank jumped onto her bag and went to sleep. एक दिन उसकी पेट क्या थी, ये क्या है, कैट. एक दिन उसकी पेट कैट उसके बैग उसने उसकी बैग पे जंप किया और सो गई. सारा वेटेड अंटिल हर कैट वोक अप बिफोर टेकिंग हर बैग विथ हर टू प्ले. फिर सारा ने क्या किया, उसने इंतजार किया कि कब उसकी कैट जगेगी और फिर वो अपनी बैग लेके खेलने के लिए जाए. सो यू हैव कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट सेंटेंसेस. हमें इन पिक्चर्स को देखना है और करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है. फर्स्ट है, द बर्ड इज बिल्डिंग अ नेस्ट. ये जो बर्ड है वो नेस्ट बना रही है.
नो, नेस्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो नेस्ट नहीं बना रही है. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. द बर्ड इज वेटिंग फॉर द एग्स टू हैच. बर्ड वेट कर रही है कि उसके एग्स कब हैच हो रहे हैं. हैच मतलब कि टूटना, जिसमें से उसका बेबी बाहर आता है. लेकिन इसमें तो ऑलरेडी दो बेबीज है, तो वो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. द बर्ड इज फीडिंग द बेबी बर्ड्स. हाँ, ये बर्ड क्या कर रही है, दोनों बेबी बर्ड्स को फीड कर रही है. देखो उसके माउथ में एक वर्म है, वो क्या कर रही है, बर्ड अपने बेबीज को फीड कर रही है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द सैंड. ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सैंड पे खेल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द बीच. क्या ये लोग स्विम कर रहे हैं, नो, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. द चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग शेल्स ऑन द बीच. ये बच्चे जो है वो शेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं. यस, द चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग शेल्स ऑन द बीच. द गर्ल वॉन्ट्स अ बलून. ये गर्ल को बलून चाहिए, नो, द गर्ल वॉन्ट्स एन आइसक्रीम. क्या इस गर्ल को आइसक्रीम चाहिए, यस, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. द गर्ल वॉन्ट्स अ बुक, नो, द गर्ल डज नॉट वॉन्ट अ बुक, द गर्ल वॉन्ट्स एन आइसक्रीम. सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.